नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश में दुनिया में स्वागत हो, लेकिन जब अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपने लोग स्वागत करते हैं, प्रेम देते हैं, जिनके बीच में मैं घुटनों के बल चला हूं, जिनके बीच में मैं साइकिल से चला हूं, जिनके बीच में मैं पढ़ने जाता था बैग लेकर के, तो उन्होंने मेरा बचपन देखा है, अभी भी बचपन ही है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने मुझे बड़े होते हुए देखा है, तो आज उन्होंने जिस तरह से स्वागत किया है वो मेरे लिए बहुत शानदार है, और पूरे देश को मैं बताऊंगा कि मेरी अपनी मिट्टी ने इस तरह से स्वागत किया। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, और प्रतापगढ़ को दो सांसद दिए, प्रमोद तिवारी जी, इमरान प्रतापगढ़ी, एक बहुत वरिष्ठ, एक बहुत युवा, तो दोनों का मिश्रण जो है वो प्रतापगढ़ के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेगा। सदन में प्रतापगढ़ की आवाज़ बनेगा, अपने अपने गृह राज्य जहाँ से हम जीत के आए हैं उसकी भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन प्रतापगढ़ का भी अधिकार है, तो हम उस अधिकार को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ चिकित्सा पे, शिक्षा पे बड़ा काम करने की आवश्यकता है। कहले के लिए बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत बड़े बड़े नेता मिले हैं, लेकिन विकास के नाम पे काम कम हुआ है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि प्रमोद जी के साथ हम लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रयास करे कि जनता के हित के लिए लड़े, और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और मजबूती प्रदान करे, ये हमारा प्रयास रहेगा। भाजपा तरह से लगातार जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कहा जा रहा है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो भी कानून लाती है या मुद्दे जिन पर बात करना चाहते हैं, उसका मकसद सिर्फ राजनीति करना होता है। पिछले 5 वर्षों का अगर आप सूचकांक उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उस विशेष वर्ग की जनसंख्या अनुपात में गिरावट आई है। मेरे पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राजनीति करने से बाज आना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि अगर जनसंख्या पे नियंत्रण चाहते हैं तो उस पर राजनीति करने के बजाय लोगों को जागरूक करें। ग्रामीण अंचलों में वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आप चले जाइए तो ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं किसी के पास, मतलब 6, 4, 5 से ज़्यादा ही बच्चे हैं, वो किसी भी वर्ग का हो, तो आप किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट मत करिए। ये धर्म की राजनीति करना बंद करिए। सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी बाकी मुद्दों पे घिरी हुई है। अग्निपथ पर देश का युवा आक्रोशित है। कांग्रेस लगातार देश भर के अलग अलग ज़िले में जा करके, अलग अलग शहरों में जाके उनकी पोल खोल रही है। ऐसे में लगातार जो है इस तरह की बात उठा करके मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास। अहमदाबाद, जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है, वो पानी में तैर रहा है, सड़कें धंस गई हैं, उस पर बात करने के बजाय आप जनसंख्या नियंत्रण का शिगुफा छोड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है राजनीति मत करिए, जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास करिए, और उसके लिए Thank you.